अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपको तो मालूम होगा रखे, आपको एक नई बात बताता हूँ। राजमाता जी, मैं दर्शन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रमों में आप बता रहे और कार्यक्रम को सफलता प्रदान करें, बहुत सभी लोग मेरे मतदाता है, मेरे कार्यकर्ता है। इसलिए दो चीजें आप सब लोगों के बीच में रख के मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा। दो विषय केवल मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। सेवा सियासत के महाराज विक्रम सिंह जी, हमारे नगर निगम के सभापति रवि जैन जी, चूंकि समय का अभाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त दिया है, सहयोग दिया है, बहुत प्यार दिया है मेरी बहनों ने भी, मेरे भाइयों ने भी। आप सभी से इसी स्नेह, इसी सहयोग, इसी आशीर्वाद की कामना करते हुए आप लोगों से फिर बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस सफर में मेरे साथ चलकर मेरी ताकत को दुगना किया, मेरी हिम्मत को दुगना किया और मेरा जो विजन था देवास के लिए उसे आपने साकार करने में मदद की, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। कार्यकर्ता संबोधित कर आपने क्या कहना चाहेंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन था, सभी देवास विधानसभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी झा आए थे, उन्होंने सबको संबोधित किया, सब एकत्रित हुए, सब साथ में भोजन करेंगे, बस ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। यहाँ पे कार्यकर्ता भी आए, क्या पूरा मामला क्या कहना चाहेंगे? प्रत्येक विधानसभा में इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं और 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है, इसलिए हम सब मिलकर इस प्रकार के जोश के साथ कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में लगेगा। ये युद्ध काल के पूर्व का अभ्यास है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित होकर विजय का संकल्प ले रहा है और इस बार मध्य प्रदेश में 200 पार का नारा देकर देवास विधानसभा की 5 विधानसभा में हम परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।